हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनवायरनमेंट के तीन ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करेंगे जो न केवल वर्तमान में चर्चित हैं बल्कि हर एग्जामिनेशन में इनका महत्व भी ज़्यादा है। आप बोर्ड पर देखिए, एकदम सरल तरीके से मैं इनको समझाने का प्रयास करूँगा। हमारा पहला टॉपिक रहेगा कोरल ब्लीचिंग, शैवाल विरंजन हिंदी में कहते हैं। दूसरा टॉपिक रहेगा एसिड ड्रेन, देखिए। और तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा यूट्रोफिकेशन। तीनों टॉपिक वर्तमान में काफी चर्चा में हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कोरल ब्लीचिंग। कोरल्स की भूमिका हमारे सामुद्रिक इकोसिस्टम में आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है। कोरल्स को सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। समुद्री इकोसिस्टम जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्थायी माना जाता है, वहाँ कोरल की यानी परवालों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस डायग्राम में देखिए, कोरल ब्लीचिंग में ये फर्स्ट स्टेज है जहाँ कोरल हेल्दी है, ये सेकंड स्टेज है जहाँ कोरल स्ट्रेस हो गया है, ये थर्ड स्टेज है जहाँ कोरल ब्लीच हो गया है। सब क्या कारण है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले एकदम इजी वे में आप समझिए कि आखिर कोरल और जो एल्गी है उसका संबंध कैसे बनता है, उसका क्या कारण है। देखिए, ये समुद्र है, समुद्र के अंदर कोरल और उसके ऊपर जूजेंद्री जो एक शैवाल होता है, इसकी स्पेशल प्रजाति है, उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग पाई जाती है। जो प्रवाल है यानी जो कोरल है वो शैवाल को शरण प्रदान करते हैं और शैवाल उसको भोजन उपलब्ध करवाता है। इस तरह दोनों के बीच में देखिए ये बॉन्डिंग है यहाँ पर। इस बॉन्डिंग से इन दोनों को फायदा मिलता है, एक को मिलता है आवास, दूसरे को मिलता है भोजन। इस तरह इनकी बॉन्डिंग चलती रहती है। लेकिन पिछले दिनों हमारे एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आया है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है और भी कई सारे पोल्यूशन है, उसके कारण से एक तो समुद्री जल का टेम्परेचर बढ़ जाता है और समुद्र के अंदर जो सेडिमेंटेशन है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्री जल की एसिडिटी भी प्रभावित होती है और जो न्यूट्रिशंस हैं उनके कारण से भी ये संबंध प्रभावित होता है। इन चार कारणों से क्या होता है, यहाँ जो मजबूत संबंध था वो देखिए यहाँ धीरे धीरे जो एल्गी है वो यहाँ से लगातार दूर होती चली जाती है, यानी प्रवाल और शैवाल का जो संबंध है वो टूट जाता है। दरअसल इसमें होता क्या है, जब समुद्री जल का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ने लग जाता है तो शैवाल के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो ब्रेकअप होने लग जाता है, टूटने लग जाता है। और जैसे ही क्लोरोफिल टूटता है ये यहाँ से भी धीरे धीरे अलग होने लग जाता है। और यहाँ देखिए फाइनली यहाँ जो पूरी पूरी एल्गी थी वो इस कोरल से बिल्कुल अलग हो गई है। अब इसका कलर देखिए यहाँ से बिल्कुल साफ हो चुका है, बिल्कुल अलग हो चुका है। अब ये कंडीशन ऐसी लग रही है जैसे इसकी यहाँ ब्लीचिंग हो गई है। तो पहले फिर से दिखाना चाहूंगा, यहाँ एल्गी और कोरल की बॉन्डिंग बहुत शानदार थी लेकिन टेम्परेचर, एसिडिटी, सेडिमेंटेशन, न्यूट्रिशन के कारण से इन दोनों के बीच का जो संबंध था वो अलग हो गया। मेनली ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो समुद्री जल का तापमान बढ़ रहा है उससे इसका जो क्लोरोफिल है शैवाल का, एल्गी का, वो टूटने लग जाता है और ये धीरे धीरे से अलग होने लग जाती है। और यहाँ ये पूर्णतः अलग हो गई है, अब यहाँ सिर्फ प्रवाल ही बचा है और इसकी ब्लीचिंग हो गई है। इसका परिणाम क्या रहता है, जब दोनों का संबंध टूट जाता है अधिकांश शैवाल 98% तक जो प्रवाल है शैवाल के अलग होने से नष्ट होने लग जाते हैं। और समुद्री इकोसिस्टम में प्रवालों को समुद्री वर्षावन कहा जाता है, फूड चेन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। कोरल ब्लीचिंग जो है वो इस प्रवाल के नष्ट होने का एक संकेतक है, इससे समुद्री इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। तो ये टॉपिक था अपना कोरल ब्लीचिंग। अगला महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं में एसिड रेन भी एक महत्वपूर्ण समस्या है क्योंकि यह हमारे जलीय इकोसिस्टम को प्रभावित करती है। मित्रों, आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं मनुष्य की गतिविधियों के द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दो ऐसी गैसें हैं जो केमिकल रिएक्शंस के द्वारा मुक्त की जाती हैं। अब ये गैसें जैसे ही वायुमंडल में पहुँचती हैं तो ये जल की वाष्प जो कि बादलों में होती है उसे क्रिया करती है। उस क्रिया के कारण देखिए क्या होता है,
प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप एक तो नाइट्रिक अम्ल बनता है और एक सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। इसका नुकसान क्या है, जैसे ही अम्लीय वर्षा धरती पर पहुंचती है, एक तो हमारे जलीय इकोसिस्टम को प्रभावित करती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा हमारी जितनी भी इमारतें सैंडस्टोन की हैं, लाइमस्टोन की हैं, संगमरमर की हैं, इनके संक्षारण की प्रक्रिया इस अम्लीय वर्षा से शुरू हो जाती है। ताजमहल भी इससे अछूता नहीं रहा है। और ये देखिए एक पेड़ यहाँ दिखाया गया है, लगातार अम्लीय वर्षा के कारण जो हरा भरा पेड़ था वो पूर्णतया सूख करके एक ब्रिटल में कन्वर्ट हो गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिघटना इसके समय। मित्रों, यूट्रोफिकेशन जिसे कि सुपोषण भी कहते हैं और जिसे शैवाल ब्लूम भी कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिघटना है जो ज़्यादातर शहरी इकोसिस्टम के पास जो भी जलाशय स्थित होते हैं उनमें पाई जाती है। तो आप इस दिए गए चित्र को ध्यान से समझिए, इसमें क्या होता है, जिन केमिकल्स में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है वो किसी कारण से जलाशय में मिल जाते हैं। दरअसल इनका आधार कुछ खेती में काम आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा आपका जो वॉशिंग पाउडर है, डिटर्जेंट है, उनके भी इसमें केमिकल्स महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा एडिटी जब का प्रयोग किया जाता है तो उसके ठंड से भी ये मुक्त होते हैं। इसके अलावा जो सीवरेज वाटर है उसको अगर जलाशय में छोड़ा जाए तो इनकी मात्रा बढ़ जाती है। अब ये जो केमिकल्स हैं ये पानी में आकर क्या करते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में अत्यधिक पोषक बन जाते हैं और जो एल्गी वाटर बॉडी में पाई जाती है उसके लिए ये पोषण का काम करते हैं, इसीलिए इस परिघटना को सुपोषण कहा जाता है। अब देखिए यहाँ इन एल्गीज की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है इसके लिए। अब जब एल्गी ही एल्गी इकोसिस्टम में अपनी मात्रा बढ़ा लेते हैं, एक तो ये जो सनलाइट है वो नीचे तक नहीं आ पाएगी, तो इस इकोसिस्टम में जितने भी अन्य जीव हैं उनको सनलाइट और जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाएगी। फिर धीरे धीरे इनकी संख्या इतनी बढ़ने लग जाती है, अन्य जो जीव हैं उनके लिए केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और फिर धीरे धीरे उनके लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कम होने लग जाती है। इस तरह धीरे धीरे अन्य जो जीव इस इकोसिस्टम में है, इस जलीय तंत्र में है, वो उनकी मृत्यु होने लग जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं उनका ढेर लग गया है। और एक समय ऐसा आता है इन शैवालों की इतनी संख्या बढ़ जाती है कि जब ये मरने लग जाते हैं तो टोटल बीओडी इनके लिए भी कम होने लग जाती है और धीरे धीरे ये पूरा जो इकोसिस्टम है वो कोलैप्स कर जाता है। और कुछ ही दिनों में इनका विस्फोट जैसा होने के कारण इसको ब्लूम परिघटना भी कहते हैं। तो ये एक ऐसी इन्वायरमेंट की परिघटना है जिसमें पूरा इकोसिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है। और ये परिघटना सिद्ध भी करती है कि हमारे इकोसिस्टम में, हमारी फूड चेन में हर एक जीव की भूमिका इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मैंने आपको कोरल ब्लीचिंग, एसिड रेन और यूट्रोफिकेशन के टॉपिक्स को बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है हम इस प्रयास में सफल रहेंगे। ये तीनों टॉपिक हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और ये तीनों करंट के विषय भी हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।